देखिए अपने फेवरेट शो सब खेलो सब जीतों के सारे एपिसोड सिर्फ sonylive.com पर जब आप चाहें। ऐसे कैसे सस्पेंड हो गए? हम बड़े बाबू से बात करते, तुम चलो हमारे साथ। इंदुमती, जितना तमाशा होना था सो हो चुका है, अब और तमाशा नहीं करना। तो क्या करें? चुप रहे। शांत हो जाओ इंदुमती, शांत हो जाओ। मुश्किल हालात में दिमाग और गुस्से पर संयम रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अब हमसे तुम्हारा अपमान और सहा नहीं जाता, क्या करें? अम्मा, पापा, हम आपको अब और आंसू नहीं बहाने देंगे। हम बहुत जल्द चंपा की बेईमानी की पोल खोलकर हम आपको बड़े सम्मान के साथ लापतागंज में लाएंगे। काहे कि अब हम बड़े हो गए हैं। अरे मामा, जीजा जी हम ठीक हैं। मामा मौसी आओ ना। चलो 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 मुकुंदी, ये सब कहाँ हो गया? हाँ, ये कैसे दिन आओगे? मौसी रो कह रही हो? हाँ, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। मौसी, तुम लोगों को यहाँ देख के कसम से बहुत खुशी हुई। हाँ, हमका भी खुशी हुई। हाँ जीजा जी, दीदी, आप दोनों लापता गंज से दूर हुए हो, पर हमरे दिल से नहीं। अरे दिल से दूर तो पिताजी होते थे। पिताजी जिससे दिल लगाते थे वो दिल तोड़ देता था, और दिल तोड़ने वाले से पिताजी दूर हो जाते थे। आज तुम भी करो, इस समय हम अकेले करने का बताओ। मौसी, हाँ? चुकू कैसा है? अरे मुकुंदी बाबू, इंदु मती, आप लोग अपने चीकू की बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि अब आपका चीकू बड़ा हो गया है और चीकू आप दोनों से बहुत प्यार करता हैंगे। खा पी रहा है ठीक से है ये जी? देखा हमारा चीकू कितना समझदार हो गया है, और तुम हमेशा उसके लिए लबलबाए रहते हो। हम उस पे लबलबाए रहते हैं, इसीलिए वो इतना समझदार हुआ है। हाँ, ये भी सही है। खैर मौसी, लापतागंज में सब कैसे हैं? लापतागंज में हाँ हाँ सब ठीक है। हाँ, उका का हो गया? आज तुम लोगों को बहुत याद करते हैं सब। पर वो नहीं, कौन? चंपा है। हमारा मतलब है मुकुंदी बाबू के, हमें पता चल गया है कि चंपा ने आपको क्यों फंसाया है। तो जल्दी बताओ ना मामा, हम भी कब से यही सोच रहे हैं कि आखिर चंपा ने हमें काहे फंसाया। जीजा जी, हम बताते हैंगे। हम सबको यकीन हो गया हैंगे कि ब्लू बाबा ने ही आपसे बदला लेने के लिए चंपा को यहाँ भेजे हैंगे। ब्लू बाबा? लेकिन ब्लू बाबा तो जमानत पर रिहा होने के बाद गांव चला गया है ना? अरे वही तो उसकी चाल है कि खुद दूर बैठा रहे और वही दूर बैठ कर अपना खेल खेलता रहे। देखो मामा, तुम ये बात यकीन से कैसे कह सकते हो कि चंपा के पीछे ब्लू बाबा का हाथ है? अरे जीजा जी, हमको पूरा यकीन हैंगे और हम जल्द से जल्द सबूत लेकर आएंगे, और देखना सच सबके सामने आकर रहेगा। आ मुकुंदी, आ चिंता ना करो, देखो सच और सूरज की रोशनी हाँ कभी छुप के नहीं रह सकती ज्यादा देर। अरे अरे दीदी, तुम कहाँ बातों में लग गई? हम क्या कर रहे हैं? अरे वो तो निकालो जो लेके आई हो। मुकुंदी, वो है ना घर में, वो का कहते हैं तो भाई, पानी पानी है, खाना लाया है मुकुंदी, तुम्हारे लिए जो है तुम्हें पसंद का अचार लाया है हम याद से हैं।
इंदुमती मौसी की तकलीफ नहीं, उनका प्यार देखो। अगर मौसी के हाथ का बनाया खाना हमारा पेट भरेगा तो इन सबका प्यार हमारा दिल भरेगा। कल आई हूँ मौसी। चार लाए हैं, देखो पराठे भी बनाए थे, आलू है और दाल है। अरे सुतीलाल, यहाँ पर हम लोग चंपा की पोल कैसे खोलें ये सोच रहेंगे और तुम सो रहेंगे। अरे सोते तो पिताजी थे, जब उन्हें सोना होता था तो अपने घोड़े बेच देते थे और घोड़े बेच के सो जाते थे। अरे लेकिन तुम क्यों सो रहे हो भाई? अरे भाई माफ करना, सुबह जरा जल्दी उठ गए थे तो वो वैसा तो किसी ने कहा नहीं कहने को, फिर भी हम कह रहे हैं। देखो भाई ऐसा है कि इधर उधर की बातें बंद करो। अरे यार कुमार की बात करते हैं ललन जी। और भाई ये इधर उधर की बातें कहाँ कर रहे हैं भाई? नींद की बातें कर रहे हैं। अरे वही तो हम भी कह रहे हैं, चंपा की पोल कैसे खोले इसके बारे में सोचो। हाँ ललन जी, हम चंपा को छिपकली से डराते हैं और उससे सारा सच उगलवाते हैं। पुदीना, चंपा कोई हमारी तरह भोली भाली है क्या? अरे वो लल्लन जी की तरह एकदम काइया है। ये मामा, हमारा मतलब है कि वो छिपकली से क्या डरेगी? अरे वो तो अपनी चोटी में सांप बांध के घूम सकती है। देखो वैसे हमारे पापा कहते हैं, किसी भी समस्या का हल निकालना हो तो ताकत से नहीं दिमाग से हल निकालो। हाँ पापा बिल्कुल ठीक कहते हैंगे। अब मतलब चुकू के पापा हमरे जीजा जी। ओए होए, ओ भाई ये बात तो सही है, ऊपर महाराज मैं क्या कह रहा हूँ भाई। देखो माँ को, हमारे गांव में भाई दिमाग वाला सिर्फ एक ही आदमी है और वो है हमारे मुकंदी पाजी। कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? मुकंदी पाजी मतलब हम लल्लन जी, पीडब्ल्यूडी वाले लल्लन जी। कौन ऐसा आदमी नहीं बताए दे रहा अभी तो? अरे तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हमारे पास बुद्धि नहीं, हमारे पास दिमाग नहीं है? अरे ऐसे दीदी तो दिमाग है हमारे पास। लो तो। अरे शांत हो जाइए लल्लन जी, आप भी मुकंदी बाबू की तरह समझदार हैं। आओ। अरे लल्लन जी आप अपने दोए ठो दिमाग के इस्तेमाल कीजिए और बताइए कि हम चंपा की पोल कैसे खोल सकते हैं। हाँ तो जो हमारे दूधी से दिमाग है ना, दोनों यही कह रहे हैं कि हम सबको चंपा पर नजर रखनी चाहिए। लल्लन जी चंपा पर सिर्फ हम नजर रख सकते हैं। खबरदार मामा, चंपा पर सिर्फ और सिर्फ हम नजर रखेंगे। चंपा पर हम नजर रखेंगे क्योंकि चंपा पर हमारी नजर पहले से है और हम तुम्हारी आंखें निकाल लेंगे। चंपा पर नजर रखने की बात की तो हम तुम्हारे जबान खींच लेंगे। अरे मामा और बादशाह और यार लल्लन जी रोको भाई, ने आपसे किसी ने कहा ही नहीं। ओए होए माल को, हम कह रहे हैं रोको इन्हें, नहीं तो खूनम खून हो जाएंगे ये। आप रोकते हैं चंपा है? अरे एलीजा मामा पगला गए हो क्या तुम दोनों? अरे मुकुंदी बाबू को बेगुनाह कैसे साबित करें, हम लोग ही सोच रहे हैं और तुम दोनों जो है छिछवा पत्ती कर रहे हो। देखो मौसा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम चंपा पर नजर रखेंगे तो हमें पता चलेगा चंपा कहाँ जाती है, किससे बात करती है और किससे मिलती है, और फिर हम अपना जाल बिछाएंगे। हाँ ये अच्छा है,
काम का काम और मजे के मजे। चंपा पे भी नजर रखे हुए हैं पर उसे ताड़ने का मौका भी मिल रहा है। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो? क्या कभी किसी अखबार पढ़ते हुए आदमियों को नहीं देखा क्या? अरे हमारे हाथ में अंग्रेजी का अखबार। अच्छा तभी अरे चंपा कहाँ चली गई? घर में रही है क्या? ओहो तो आज राज खुल ही जाएगा। नहीं खामखा कंघी का मजाक क्यों उड़ा रहे हो कंघी? चंपा हमारे बालों का मजाक मत उड़ाया करो वरना आय हाय धमकी किसी और को देना। पहले ये बताओ ब्लू बाबा ने हमारे पैसे पहुंचाए कि नहीं? वादा तो काम खत्म होते ही पैसे देने का था ना? वादे तो होते ही हैं तोड़ने के लिए। तुम चिंता मत करो चंपा तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। आपकी तारीफ। चंपा ये कन्नू जी ब्लू बाबा के भाई। भैया के बाकी काम पूरा करने के लिए आए हैं। बताओ क्यों आई हो यहाँ? आए हाय पैसों की जरूरत यहाँ ले आई। देखो कन्नू सिंह। अरे नाराज होकर क्यों चल रही हो? अरे पानी पियो। अरे कंगी सिंह पानी पिलाओ। अच्छा तो ये ब्लू बाबा का भाई कन्नू सिंह है। देखो कन्नू सिंह आपके भाई ब्लू बाबा के प्लान के मुताबिक हमने अपना काम कर दिया। बहुत बढ़िया किया चंपा ब्लू बाबा का जबरदस्त बदला लिया। अरे हमारा शक सही निकला अब हम सबकी पोल खोल देंगे। अरे कौन है वहां पर? अरे देखो कौन है। कुत्ता है लगता है। देखो कन्नू सिंह हमने अपना काम कर दिया अब बाकी के पूरे पैसे हमें दे दो हम अपने गांव चले जाएंगे। ये लो 5,000 हैं। हाय हाय सिर्फ 5,000? अरे अभी रख लो बाकी का काम पूरा होने के बाद दे देंगे। आए हाय अब कौन सा काम बाकी है? तुम्हें कुछ दिन और लापतागंज में रहना है। अगर अचानक तुम चली गई गांव छोड़कर तो सब लोग तुम पर शक करेंगे इसलिए कुछ दिन यहाँ रहकर बाद में तुम कह देना कि हम दूसरे गांव मटका बेचने के लिए जा रहे हैं और वहां से तुम निकल जाना।
और फिर हम तुम्हें सारे पैसे दे देंगे। लेकिन हमें पैसे की जरूरत अब भी है। अरे हम कह रहे हैं ना, काम पूरा होने के बाद पैसे दे देंगे। अरे तुम अभी आई हो तो हमारे साथ बैठकर बढ़िया खाना खाओ। हा? अरे बैठो बैठो बैठो। कंगी जी, खाने का इंतजाम करो। जी जी। खाना तो अब तुम जेल में खाओगे। तुमने मुकुंदी बाबू को फंसाया है ना, अब देखो हम तुम्हें कैसे फंसाते हैं। वैसे फंसते तो पिताजी थे, वो भी लड़कियों के जाल में। अब चंपा को फंसाने का प्लान नंबर 2 शुरू करना है। बहुत बढ़िया किया चंपा, ब्लू बाबा का जबरदस्त बदला लिया। हमने अपना काम कर दिया, अब बाकी के पूरे पैसे हमें दे दो, हम अपने गांव चले जाएंगे। देखा, ये है। देखा, हमको तो पहले से ही शक था। चंपा जो है ना, हमारे सालू भाई को फंसाने के लिए ही आई थी। अरे मामा, चंपा का चेहरा तो नजर ही नहीं आया। आपने पीछे से शूटिंग काहे की? तो क्या अंदर जाकर शूटिंग करते और चंपा से कहते कि जरा इधर देखना, तुम्हारा चेहरा पुदीना को देखना है। और मामा जी, ये आइडिया बड़ा अच्छा था यार, ऐसा क्यों नहीं किया आपने? अरे देखो मामा ने जो किया एकदम ठीक किया। अरे कम से कम हमें ये तो पता चल गया कि चंपा ने जानबूझकर बिल्लू बाबा के इशारे पर हमारे पापा को फंसाया है। है। शाबाश मामा, शाबाश। यार शाबाशी दे रहे हो या दुश्मनी निकाल रहे हो? अरे मामा शाबाशी दे रहे हैंगे, लेकिन जीजा जी को बेगुनाह साबित करने के लिए ये सबूत काफी नहीं हैंगे, और इसमें चंपा का चेहरा भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैंगे, और चंपा के मुंह से ही सारी बातें उगलवाना बहुत जरूरी हैंगे। क्यों जीजा जी की वजह से? जीजा जी, हाँ हम भी यही बोलने वाले थे। ओए होए, तो ललन जी बोला क्यों नहीं था? हम तो किसी ने कहा ही नहीं। अरे तो ललन जी बताइए ना, आगे क्या क्या करना है? हमने सोच लिया मामा, आगे क्या क्या करना है? आप सब लोग हमें ऐसे काहे देख रहे हैं? अरे मामा, अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी बात गौर से सुनो। ऐसे करेंगे, अरे वाह चुकू वाह, क्या प्लान बनाए हैंगे? हाँ हाँ, इस जाल में तो चंपा फंस ही जाएगी। शाबाश चुकू शाबाश, हमेशा हमारे साथ रहा करो। तो कहा है ना कि एकदम हमारे तरह से होशियार हो जाओगे। एक मिनट सुनो भाई, हम एक खबर दे रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद चंपा जो है कन्नू सिंह के यहाँ से खाना खाकर निकलेगी। बहुत सही, तब तक हम जल्दी से रोड पे चलते हैं और अपना नाटक शुरू करते हैं। हाँ चुकू बिल्कुल ठीक कह रहा हैंगे। अरे एलिजा मामा, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हैंगे हैंगे मत बोलना। मौसा जी आप PWD वाले मत कहना। ओ बिल्कुल भाई। और मामा जी आप पिताजी मत कहना, वरना हम अपने पिताजी को बेगुनाह साबित नहीं कर पाएंगे। अरे चुकू, हम तुमसे वादा करते हैं, हम कौनो गड़बड़ी नहीं होने देंगे, तुम बेफिक्र रहो। ये बात हम कह रहे हैं, हम लल्लन जी PW। मौसा जी आप, गलती हो गई भाई, गलती हो गई। देखो हम कौन PWD, ये हम नहीं कहेंगे। तो लाइए ताली। चंपा ने हमारे पापा को फंसा के बदनाम किया, अब चंपा फंसेगी और सबके सामने सच्चाई आएगी। आहो चलो। हाय हाय, कौन मुसीबत है, 5,000 ही दिए और खाना खिला के भगा दिए, का होगा 5,000 से हमरा? हाय हाय, ए छोरी, तूने 5 बदमाशों को एक बैग के साथ भागते हुए देखा?
हाँ 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 उधर गए वो पांच बदमाश, उधर की तरफ भागे हैं। अरे हमसे बच के कहाँ जाएंगे, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ समझे। हाँ। अरे सरदार, इस लड़की ने हमें बचाया, आप कुछ कहेंगे नहीं? ओ हमसे कहेंगे। निकालो। Catch your favorite episodes of FIR only on Sony Live.